Good morning. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. This is from the Enrich Pearl Class 3rd, and the chapter name is The Earth or Home. Dharti Hamara Ghar. Look at the picture. Answer the questions that follow. Which planet is the closest to the sun? तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? मरकरी. विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर? अर्थ प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में क्या है? मार्स. विच इज द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? सन से सबसे ज्यादा दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून. द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स. अर्थ सारी लिविंग थिंग्स का घर है. दिस इज बिकॉज क्यू? इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और ये किससे सराउंडेड है? एक लेयर एयर की, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वॉटर. 1/4 of it is covered by land. तो 3/4 हमारी अर्थ किससे कवर्ड हुई हुई है? वॉटर से. और 1/4 क्या है हमारे पास? लैंड. इट हैज द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव. तो अर्थ के पास क्या है? राइट टेम्परेचर है जिस पर लिविंग थिंग्स रह सकती हैं. शेप ऑफ द अर्थ. अब अर्थ की शेप कैसी है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस. जो पुराने जमाने के लोग थे, बहुत टाइम तक ये सोचते रहे कि अर्थ कैसी है. अर्थ फ्लैट है और अर्थ के क्या है? एजेस, कोने हैं. अबाउट 500 ईयर्स अगो फर्डिनांड मैगेलन and his crew started from Spain on a long sea journey. So, 500 साल पहले फर्डिनांड मैगेलन ने अपने crew members के साथ journey start करी थी Spain से. They kept sailing in one direction. और वो क्या करते रहे? एक direction में sail करते रहे. After nearly 3 years, they reached the same place from where they had started. Like, ये एक point था, यहाँ पर एक point था जिससे उन्होंने start किया और 3 साल तक वो लोग चलते रहे और वापस इस point पर आ गए जहां से वो चले थे. This proved that the earth is round like a ball. और इसी ने प्रूव करा था कि अर्थ क्या है? एक राउंड शेप्ड है, बॉल की तरह. इन फैक्ट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. तो बहुत ही स्लाइटली फ्लैट है टॉप से और बॉटम से. ग्लोब्स एंड मैप्स. ग्लोब और मैप. द अर्थ इज वेरी बिग. अर्थ क्या है बच्चों? बहुत बड़ी है. वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट ए टाइम. और हम पूरी की पूरी धरती एक बारी में नहीं देख सकते. देयरफॉर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी इट. दिस मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब. और इसी तरह क्या करा गया? इसको स्टडी करने के लिए इसका मॉडल बनाया गया और इस मॉडल को क्या कहा गया? ग्लोब. अ ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ. ग्लोब बहुत ज्यादा क्या है? अच्छा होता है स्टडी करने के लिए अर्थ के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में. हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन द स्मॉल ग्लोब. लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी की सारी चीजें दिखा दें किस पर? ग्लोब पर. ऑन द अदर हैंड अ ह्यूज ग्लोब विल बी डिफिकल्ट टू कैरी. और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ग्लोब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना.
these problems can be solved if we use maps. और ये problem तब solve होगी अगर हम क्या use करेंगे? Map. A map is a drawing of the earth or a part of it. Map क्या है? Drawing है earth की या कुछ हिस्सा है उसका. Maps can be big or small. Map बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी. A book of map is called an atlas. You can say that ki a collection of map in a book is also known as atlas. Do you know? Do you have one? क्या आपके पास है? आप मुझे comment section में बता सकते हैं. Sometimes we use very large maps. कभी कभारी हम बहुत बड़े बड़े maps use करते हैं. They are hung on wall. Such maps are called wall maps. और ये maps को हम कहाँ टांग देते हैं? दीवारों पर. और यही map कहलाते हैं आपके wall map. अब इतना बड़ा map है तो आप अपने पास तो लेके नहीं घूमोगे, तो कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, map को wall पे टांग दिया जाता है. Blue shows the water bodies. The other color shows the land masses. जो आपका ये ब्लू है ये सारा क्या है? आपके वाटर बॉडीज. और ये जितनी भी आपकी कलरफुल हैं वो सारे क्या हैं? लैंड मासेस, लैंड्स हैं. चेक पॉइंट. वाटर कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ. तो वाटर कितना कवर हुआ हुआ है? अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वाटर कितना कवर है हमारा? 3/4. तो वाटर कितना कवर है हमारा? 3/4 की स्पेलिंग लिखेंगे फिर TH लगा देंगे. 3/4. द अर्थ इज डैश इन शेप. अर्थ कौन सी शेप में बताई थी? बॉल शेप. बॉल की शेप क्या होती है? राउंड, राउंड शेप. एंड डैश इज ए बुक ऑफ मैप. कौन सी बुक होती है मैप की? एटलस, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं. डायरेक्शंस ऑन ए मैप. अब हम कैसे देखते हैं डायरेक्शन मैप पर? यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. हमें अच्छे से पता है कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. We locate places on a map using these directions. और हम जगहें कैसे ढूंढते हैं मैप पर? इन्हीं डायरेक्शन की हेल्प से. In early times, sailors used a compass to find their way while sailing. तो early times में जो sailors होते थे, जो पानी के जहाज में बैठ के सेलिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे? Compass का यूज करते थे अपने वे को, अपने रास्ते को ढूंढने के लिए. A compass looks like a watch. अगर आप यहाँ पे देखेंगे compass कैसा लग रहा है? घड़ी जैसा. It has a needle which always point to the north. और इसकी needle जो होती है वो कहाँ पे point कर रही होती है? हमेशा north side को. Once you know where north is, you can find the other directions. आपको एक बार ही पता लग जाए कि north कहाँ है तो आप उसके accordingly directions easily ढूंढ पाओगे. Oceans and continents. Very large bodies of waters are called ocean. जो बहुत बड़ी बड़ी large bodies होती हैं water की, उनको हम कहते हैं oceans. और oceans कितने हैं हमारे? 5. Pacific Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Indian Ocean, Antarctic Southern Ocean, Antarctic Southern Ocean, and Arctic Ocean, and Arctic Ocean. The smaller water bodies are called sea, river, and lake. जो बहुत बड़ी water bodies है उसको तो हम क्या बोलेंगे? Ocean. और जो छोटी छोटी water bodies है वो क्या है आपकी? Sea, river, and lake. Larger areas of land are called continents. और जो बहुत बड़ा large area होता है land का, उसको हम बोलते हैं continent.
तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. सी मैप 2.1 फॉर देयर लोकेशन. ओके, इफ यू सी हियर इन दिस मैप, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अबाउट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. सो आई हैव टोल्ड यू कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास? 7. सो सी, लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7. ओशंस कितने थे हमारे? 5. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. If we stand on the top of this high building, we can see the sky and the land or the sea meeting at a distance. अगर हम बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो जाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो sky है और land है वो कहीं पे मिल रही है. The place where they appear to meet is called the horizon. और जहां पर हमें लगता है कि वो दोनों मिल रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Horizon. If we move towards the horizon, the sky and the land appear to move further away. लेकिन अगर हमको ये लगता है कि वहां पर वो मीट कर रही हैं और हम वहां पर जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो दूर होने लग जाती हैं. The place where the land and the sea meet is called the coast. जहां पर land और sea मिलते हैं उसको हम कहते हैं coast. और जहां पर हमें लगता है sky और land मिल रहे हैं वो है आपका horizon. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. जो Pacific Ocean है वो सबसे बड़ा ocean है कहाँ पे? World में. The Arctic Ocean is the smallest. और सबसे छोटा ocean कौन सा है बच्चों? Arctic Ocean. Words to know. Atmosphere. A layer of air without which we cannot live. एक layer air की जिसके बिना हम नहीं रह सकते. That is known as atmosphere. Land masses. A large area of land. एक बहुत बड़ा area land का land mass कहलाता है. Quick recap. Life on earth exists because it has air, water and the right temperature. तो life earth पे क्यों possible है? क्योंकि earth के पास क्या है? Air है, water है और right temperature है रहने के लिए. Ferdinand Magellan proved that the earth is round. जो Ferdinand Magellan थे, sailor थे, उन्होंने ये prove किया था कि earth कैसी है? Round shape की है. A globe is a model of earth. जो ग्लोब होता है वो अर्थ का क्या है? मॉडल. ए मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट. मैप क्या है? अर्थ की ड्रॉइंग है या अर्थ का थोड़ा सा पार्ट है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 डायरेक्शंस. तो कौन कौन सी डायरेक्शंस है हमारे पास? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. देयर आर 5 ओशंस and 7 continents. तो कितने oceans हैं? 5 oceans. और कितने continents हैं? 7. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.